नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिजनेस वीडियो बनाने के लिए होता क्या है कि लोगों के बीच में वो जाने की ज़रूरत है। आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है तो आज सोचा कि बाहर निकलते हैं, लोगों के पास चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। ये है गांव, गांव, गांव जो थे वो शहर में पढ़ के शहर हो गए हैं कि गांव रह गए हैं, कुछ नहीं मालूम। गांव में लौंडे पंचायत कर रहे हैं, दादा लगाए हैं सब्जी। बारिश हुई है बहुत और उसने क्या कर दिया है, जगह जगह कर दिए हैं गड्ढे। दो दिन तीन दिन तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूछो मत, हर तरफ बस पानी ही पानी है। ये जो गांव में बर्तन बेचने वाले लोग आते हैं, देख रहे हैं ना, ये आ चुके हैं हम रायबरेली रोड पे। हिंदुस्तान बड़ा गजब का देश है भाई। अभी बारिश की वजह से हुआ क्या है कि जो सारा काम वाम है वो बहुत लोगों का अभी दो तीन दिनों में जो है वो अफेक्ट हुआ है। ये जो सामने दिख रहा है ये किसान पथ का रास्ता जाता है लखनऊ का। रास्ता पता है किधर से है? तो हम पहुंच चुके हैं मोहनलालगंज और यहाँ पे ये चौराहा है और ये सारे सब्जी से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं। इधर तो क्या हुआ, इस साइड में लखनऊ के बहुत दूर दूर तक जो बिजनेसेस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। सामने जा रही है ट्रेन और ये ट्रेन त्रिवेणी एक्सप्रेस है। त्रिवेणी एक्सप्रेस इलाहाबाद की तरफ जाती है। त्रिवेणी ट्रेन जाते हुए देखना बहुत मज़ेदार है। ये मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन है इस तरफ, और इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो ये रास्ता सुल्तानपुर रोड की तरफ भी जाके मिलती है। सड़कों के किनारे जो है लोग बिजनेसेस करते हैं, छोटे छोटे जो भी बिजनेसेस हैं उनको लोग करते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ इंडिया में जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो जो बिजनेस करते हैं तो वो इतनी पूंजी, जो छोटे बिजनेसेस हैं बहुत छोटे छोटे, तो वो इतनी पूंजी नहीं जुटा पाते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उस बिजनेस को प्रॉपर करें, क्योंकि वो यहाँ जो अगर कोई बिजनेस है छोटे छोटे तो वो बस रोजी रोटी चलाने के लिए होते हैं। और इसके एक और जो कारण जो सबसे बड़ा मिलता है वो प्रॉपर जो एजुकेशन है कि कैसे चीज़ें होती हैं उसको, उसकी भी अवेयरनेस वो भी नहीं होता है, तो उतना मतलब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है वाली बात होती है। उस
उसमें कुछ नया जो करने वाली चीज़ होती है, नया नए तरीके से उसको ढालने वाली, तो उसको लोग लेकर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग ध्यान देते हैं वो अपने बिजनेसेस को बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत आगे तक वो लेके जाते हैं। इधर सारा जो प्लॉट वगैरह है वो तो पूरा हर तरफ, लखनऊ बहुत ज़्यादा दूर तक जो है डेवलप हो गया, जिसकी बात हम बार बार करते हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने वो सारी चीज़ें दिखाई भी हैं। बनाते हैं, ठीक बनाते हैं, करेंगे, इसको भी करेंगे एक दिन। बिजनेसेस को जो बिजनेस आप देख रहे होंगे इस तरफ, वो बाहर जो बिज़नेस करने का जो माहौल है, जो कल्चर है, वो एक्चुअल में नहीं दिखता है। मतलब लोग क्या हो गया भाई इसको, तो जो बिज़नेस करने का जो कल्चर है वो नहीं दिखता है। नहीं तो आप जो ऐसे शहर जहाँ लोग बिजनेसेस करते हैं, आप ऐसी आउटर सड़कों पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको तरह तरह के लोग, बिजनेस करने वाले लोग मिलेंगे, उस तरीके के काम करने की आपको छोटी बड़ी इस तरीके की कंपनियाँ दिखेंगी। चौकस बाबा चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो बिजनेसेस हैं उनको करने के बारे में सोचें, उनसे रिलेटेड बात करें, बिजनेस से रिलेटेड चर्चा करें। क्योंकि क्या है कि जब तक जो बिजनेसेस का जो कल्चर है वो हमारे अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में नहीं आएगा, तब तक जो बड़ी परेशानियां हैं फाइनेंशियल की, वो एज इट इज चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आप दूसरे के सहारे बैठ करके नौकरी की तलाश में अपना समय आप लगाते रहेंगे तो उससे क्या है, उससे वो उसमें समय बहुत बेकार में चला जाता है लोगों का। अगर आप कोई छोटा सा ही आप अगर काम स्टार्ट करते हैं और वो काम आप पूरी ईमानदारी से आप करते हैं तो वो छोटा काम किसी दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस तो हमारी कोशिश चौकस बाबा चैनल का ही एक उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को करें, कहीं भी रहें, वो गांव में अपने रह के करते हैं, वो शहर में रहते हैं, वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, वो एक छोटी सी दुकान हो सकती है, वो एक बड़ा बिजनेस किसी तरीके का हो सकता है। तो हम उसी तरीके के वीडियो जो है लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, और वो कहानियाँ लाने की कोशिश करते हैं वो, कि किस तरीके से लोग जो है वो बिजनेसेस को कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। जैसे ये कोई फैक्ट्री है, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर शहर के आसपास दिखती हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये लखनऊ की जिला जेल है,